हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे हो। आज हम इस वीडियो के लेक्चर में सॉल्यूशन के 20 से 55 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करने जा रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें। चैंपियंस केमिस्ट्री सहरसा पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनुसंग गुणधर्म है? अनुसंग गुणधर्म है, कहता है तो सॉरी, विलयन का अनुसंग गुणधर्म है विलय के कण की संख्या, यानी विलय के कण की संख्या, विलय के कण की संख्या। अब देखिए कह रहा है किस नंबर में, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम हो, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा, सी हो जाए। वे विलयन जो समान ताप पर परासरण दाब से समपरासरी विलयन कहलाता। अगला है, निम्न में किसका हिमांक सबसे कम होता है? केफोर एफ सी एन एल 1.5 ग्राम एन एच युक्त 250 मिली एक नंबर हो जाए, चूँकि गिवन वेट इन ग्राम, इससे पहले भी बता चुके हैं, गिवन वेट इन ग्राम गुना 1000 बटा मोलिकुलर बट वेट ऑफ वी एम है। अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है विलायक के विलय के सॉरी जिससे किसी भी तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलय के कण पर निर्भर कर, कहते हैं 250 ml में 4 ग्राम NaOH युक्त, ये भी बता चुके हैं इससे पहले भी, मोलरता निकालने के लिए 0.4 किस विलयन के लिए HB मिक्स इक्वल टू 0 आइडियल सोल, किसी पदार्थ का एक मोल और विलयन में उपस्थित टोटल मोल के अनुपात को मोल पर का परासरण दाब विलय के कण पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विलय के कण पर। ये 30 नंबर का सम H4P2O7 का समतुल्य भार क्या हो, तो आप लोग को बताए थे जिसका परमाणु संख्या सम रहेगा उसमें 2 से गुना और विषम रहेगा तो 2 से गुना करके एक जोड़ देंगे, इसका 44.5 आएगा, 178/4 हो जाएगा, यानी 44.5, कोई दिक्कत। अगला, उल्टा परासरण का उपयोग समुद्री जल को स्वच्छ बनाए, अम्ल और भस्म के संयोग से बने नए पदार्थ को लवण कहते, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, हेनरी के ग्राफ को किस नाम से, हेनरी ग्राफ के नाम पी प्रोपोर्शनल एम ग्राफ किसने खींचा था, पी प्रोपोर्शनल एम ग्राफ हेनरी ने खींचा था, कोई दिक्कत। अब परासरण दाब को निरूपित किया जाता है πC/Sd, कोई दिक्कत। सिविलियन में 2 ग्राम मैंने वही सेम सवाल है, मोलरता को निकालने के लिए जो बताए थे, परासरण दाब होता है सभी दिशाओं, आइडियल विलयन पालन करता रॉल्स लॉ का, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, वाष्प दाब में अवनमन विलयन के परासरणी दाब का सीधा समान रॉल्स लॉ लागू होता है ठोस विलयन, तनु विलयन का क्वथनांक में उन्नयन होता है सहन्द्रण का सीधा समानुपात, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को सामान्यता, 1 लीटर अणुओं में ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता का, PV/Sd मास का मान R के बराबर होता है, वॉन्ट हॉफ नियम लागू होता सांद्रण विलयन। अगला है जो 5% के अनुसार अनुभार 342 5%, इससे पहले भी बता चुके हैं 68.5 होगा, 68.4 होगा, इसलिए 68.4 होगा क्योंकि इसका जो है 5% का भार है 342, 1% का करा निकालने 342 में क्या करेंगे 500 से भागा दे दी, 68.4 5 ग्राम NaOH युक्त 250 मिली विलियन की, सेम वही सवाल है, 2 विलियन सम परासरी होती जब परासरण दाब उसका क्या होता तो बराबर, कतविलियन में संगुणित होने वाले वॉन्ट हॉफ गुणांक का मान 1 से कम होता। अगला क्वेश्चन, किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर उच्च होता है, B1 mol VEC, विलयन का अनुसंग गुणधर्म वो होते हैं जो निर्भर करते विलय के कण पर, और वाष्पशील विलय रखने वाले विलय का वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश का सीधा समानुपाती है रॉल्स के अनुसार। अगला है, कौन सा द्रव्य रॉल्स के धनात्मक विचलन को दिखाता है, जल और नाइट्रिक एसिड, बेंजीन और टोलविन का मिश्रण, आदर्श गैस का समान ताप पर गैस और गैस समान ताप एवं दाब पर गैस का एक मोल आयतन,
पॉइंट 4 लीटर होता। आज ही आप लोगों को इस लेक्चर में चैम्पियंस केमिस्ट्री का के लेक्चर को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स आप।